जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री पंजाब के अपने लगातार दूसरे दौरे पर पठानकोट के जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने संत रविदास जी की जयंती के माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर माझा की पवित्र धरती पर स्थित गुरु धामों श्री हरमिंदर साहिब, श्री करतारपुर साहिब, दुर्गियाना मंदिर एवं मुक्तेश्वर धाम मंदिर में हृदय से नमन करते हुए पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास की। उन्होंने संत शिरोमणि श्री रविदास जी के कथन दोहराते हुए कहा कि संत रविदास जी की वाणी से प्रेरणा लेकर ही भारत की केंद्र सरकार द्वारा पिछले कोरोना काल में लगातार जनता को राशन उपलब्ध करवाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर टीकाकरण मुफ्त में करवाया गया है, जिसको लेकर पूरा विश्व हैरान है और भारत की इस अद्वितीय उपलब्धि पर पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। अपने संतों की वाणी पर चलकर ही हम 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे। और जब मैं नवा पंजाब कह रहा हूं, मतलब हंसता पंजाब, यही हमारा संकल्प है। मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाई, ये काम करना मेरे लिए एक पवित्र सेवा का काम है। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहाँ गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई। गांव गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को पहला डोज तो लग ही चुका है और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। इकट्ठे हुए हैं साढ़े देश के लिए साढ़े दुनिया के सब तो बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी साढ़े पठानकोट जा रहे हैं। ये साढ़े सब सदभाग है कि वह साड़ी धरती से आ रहे हैं, तो साढ़े पठानकोट कुछ वधिया ही देकर जाएंगे। जिथे जिथे वो आते हैं उस चीज़ की वधिया डेवलपमेंट होती है, तो उम्मीद हैगी है साड़ी सारी विधानसभा आंदे आंदे नाल जितनगियां। तो साढ़े अश्नी शर्मा जी जो प्रधान है उन्होंने वजह नाल उत्थे आ रहे हैं, तो होर मान वधेगा। जय श्री राम। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार हेतु रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोड शो कर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। उनके साथ फिरोजपुर शहर से विधायक परमिंदर सिंह पिंकी, जो कि 2 बार पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, और फिरोजपुर से कांग्रेसी वर्कर भारी मात्रा में उनके साथ थे।
चरणजीत सिंह चन्नी फिरोजपुर छावनी के रविदास मंदिर में भी गए और देहाती से कांग्रेसी उम्मीदवार आशु बांगड़ के लिए भी प्रचार हेतु रोड शो किया। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार ही पंजाब में सियासत नई ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। इस दौरान हर एक उम्मीदवार द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की जा रही है और अपनी गलतियां भी मान रहे हैं। अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्वी की, तो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भी अब अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान आज रैली को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने क्षेत्र के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत कम दौरा किया है, जिस करके वह सभी से माफी मांगते हैं और आने वाले समय में वह ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर जाके एक वचन दिता सी भी अमृतसर नहीं छड़ूंगा कभी। मंत्रालय छड़े, दुनिया त्यागी, लेकिन वचन नहीं छड़िया। गुरु गोबिंद सिंह का सिख हां। मैं तुहानू गारंटी दे के कहना कि लैंडलाइन नंबर होएगा हैलो MLA किसे वर्कर दा मेरे को फोन कॉल आया ते घंटे दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दा जवाब आएगा, उहदे नाल उहदा संपर्क हो। ते गारंटी है नहीं, और ये मेरी गलती है, मैं इस्तकबाल करदा, इहदी माफी भी मंगदा। होर कम्मां नूं वोट पाउणा, सोच नूं, विचार नूं, ईमानदारी नूं वोट पाउणा। ये महाभारत दा युद्ध है कौरवां ते पांडवां दा, धर्म अधर्म, नेकी बदी, सच झूठ, हराम ईमान। अखीर ते मैं कहूंगा सच दी लड़ाई लड़ियो। हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, तुम्हें लड़नी। ये धर्म वालो तो दोवें हथ खड़े करके नारा बुलंद करो, बोले सोनिया जयकारा वीर बजरंगी। कल सवेरे अमृतसर लई कीता की, इसलिए वह दसांगा। अगले 5 साल च करूंगा की, वह दसांगा। मैं तुहानू गारंटी दिना, ऐतकी निर्णय लैण दी ताकत सिद्धू कोल है, पंजाब दा प्रधान आ। वर्कर सैट करूं और ईस्ट दे लई गारंटी दिना, 5 साल जे 100 साल अगे ना लैके गया ते सिद्धू नवजोत ना कही हो जाओ। जाओ तुहानू प्लान दऊ, तुहानू सारा कुछ दऊ, कल नू रिलीज करूंगा ताकि तुसीं देख सको। आस और विश्वास जिहड़ी सिद्धू ते है, इहनू कदे टुटण नहीं दऊ, मरदा मर जाऊ। तुहाडा आस ते तुहाडा विश्वास, ये दो पूंजियां ने मेरिया, माला माल रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान राघव चड्ढा फिरोजपुर के शहरी और देहाती के लिए अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए फिरोजपुर पहुंचे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के शहरी उम्मीदवार रणबीर सिंह भुल्लर के ऑफिस में पहुंचकर प्रेस वार्ता की और दूसरी पार्टियों पर तंज कसे। राघव चड्ढा ने कहा कि अब की बार पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव में सारा पंजाब आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनाएगा। मेरे वल्लों सत श्री अकाल, नमस्कार। पिछले 50 साल पंजाब दे विच अकालियां अते कांग्रेसियां दी एडमिनिस्ट्रेशन सरकारां रहियां ने। 26 साल कांग्रेस दी सरकार रही, 24 साल अकालियां दी सरकार। 26 जमा 24 50 साल अकालियां अते कांग्रेसियां ने रल के मिल के पंजाब नू लुटिया, पंजाबियों नू कुटिया, पंजाब दा रेता वेच दिता, ट्रांसपोर्ट वेच दिता, केबल टीवी वेच दिता, पंजाब दे बच्चियां दी सिख्या वेच दिती, पंजाब दा भविक वेच दिता। ते अज मैनू लगदा एक बदलाव दी लहर पूरे पंजाब दे विच है। एक मौका आम आदमी पार्टी नू, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी नू, एक मौका भगवंत मान जी नू देन दा मूड एक एक पंजाबी ने हुण बना लिया। ऑप्शन पंजाब दी आवाम दे सामने दो ने, एक पासे रेता चोर मुख्यमंत्री जिन्हां दे उत्ते जिन्हां दे मंत्रियां दे उत्ते वड्डे करप्शन दे आरोप लगे, दूजे पासे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार भगवंत मान दी ईमानदार जोड़ी। तो मैनूं लगदा है चॉइस सिंपल है। पंजाब दी 3 करोड़ जनता रल के मिल के इस बार बदलाव लई, अच्छी सिख्या लई, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर लई, चिट्टा मुक्त पंजाब लई, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब लई, नौजवानों दे रोज़गार लई, एक खुशहाल रंगले पंजाब लई आम आदमी पार्टी नू वोट दे के आम आदमी पार्टी नू जिताऊगी। यह मेरा विश्वास है, पंजाबियों का विश्वास। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना निर्वाचन क्षेत्र पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी संजय तलवाड़ के समर्थन में वार्ड नंबर 19 के जसवंत नगर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। इस बैठक में संजय तलवाड़ ने लोगों को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर संजय तलवाड़ को उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सिरोपा डालकर सम्मानित किया गया और उनके द्वारा किए गए विकास का विवरण लोगों के आगे पेश किया गया। वार्ड नंबर 19 दे विच जसवंत नगर दे विच संगतां दे दर्शन करने का मौका मिले और तुहाडे सामने है। 3 घंटे लेट चल रहे हैं, आफ्टर दैट लोग कुर्सियां तो हिले नहीं गए और उन्हां दी अखां च वी प्यार है तो वो आशीर्वाद देने तैयार बैठे है। सिर्फ डेट की वेट हो रही है कि 20 तरीक आए तो कांग्रेस का बटन दबाइए। उन्होंने किताब के भंगड़े पा लें दो, गिद्धे पा लें दो, ये किताब जादू है और 20 तरीक जिहड़ा ये जादू नज़र आएगा वोटों के रूप में और शाम को 5 बजे तो बाद कलैरिटी हो जाएगी किताब सच्ची है कि किताब झूठी है। मैं सारे अपने स्पैशल पंजाब के लोगों को अपील करता नोट फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी कि अगर चन्नी जी ने आप चीफ मिनिस्टर बनाना जिहड़े 111 दे 110 फैसले किए, सानू सारियां नू कांग्रेस नू वोट करनी पएगी और मैनू लगता कि उन्हां तो बैटर कोई सीएम नहीं है पंजाब वास्ते। अगर ये चाहते हैं कि आप पंजाब का फ्यूचर जिहड़ा वो चंगे हत्थां च होवे तो सानू चन्नी जी नू मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और मैं अपील करदा कि जिते जिते कांग्रेस पार्टी दे कैंडिडेट इलैक्शन लड़ रहे हैं सारे ही वोटर जिहड़े आ उन्होंने वोट करन तां कि असीं बिग मजोरिटी दे नाल कांग्रेस सरकार लैके आईए और चन्नी नू मुख्यमंत्री बनाइए। साडा चोण मैनीफेस्टो प्रियंका गांधी 17 तरीक आ रहे ने अनाउंस कर देंगे। ये सर ये जसवंत नगर वार्ड नंबर 19 दे विच जसवंत नगर महला पैंदा है, उहदे विच अज मीटिंग रखी गई सी। तलवार साहब ने स्पैशली मैनू कहा सी, मैं ब्लॉक प्रधान ने इस हल्के का, तो उन्होंने कहा सी इस महल्ले दे विच मीटिंग रखी जाए और परमात्मा की दया मेरे नाल तुहाडे वर्गे ये वीर खड़े ने साडे इहनां दे सहयोग दे नाल बहुत वधिया मीटिंग हुई है। फस्ट ऑफ ऑल आई एम ओपी झमट SDO टायर्ड। मैं जो अज संजय तलवार जी ने मीटिंग कराई है बहुत ही कामयाब, तुसी आप ही तुहानूं पता है विस्तार च बहुत ही कामयाब हुई है। कहना असीं यही चाहुंदे हां वार्ड वासियां नूं, महला वासियां नूं, हलका पूरी दे वासियां नूं
कि इन्हों दिलों तनों मनो धनों हर तरह मतलब इन्हें सपोर्ट करो और जी अपनी लिंदी वोट है उन्होंने हक में पाओ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना हलका सानेवाल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह बाजवा चुनाव लड़ रहे हैं और इस हलके के लोगों का उन्हें बहुत समर्थन भी मिल रहा है। आज हलका सानेवाल के गांव कासाबाद के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वह इस क्षेत्र सानेवाल से किस उम्मीदवार को MLA के रूप में और किस पार्टी की सरकार पंजाब में देखना चाहते हैं। देखिए इन लोगों का क्या कुछ कहना रहा। जिहड़े बंदे को अज आए सी सारे असि वो मित्र प्यारे हाँ साडा भतीजा हो बंदे आह जे वोटा मंगन आए यही आए थे वाहवा कट्ठे हो गया है कांग्रेस पार्टी के आए थे जी तीन रंगा झंडा ये असी सरकार देख रहे कांग्रेस की यही आ जाए दूजी बार बन जाए जो पिछे रह गए काम तो हुण कर दे थोड़े बहुत ढिल्लों साहब जो कहें तो कह सारे ही कहें असी किमें कह दिए भी वह जित जूगा जित तो जाऊगा जे इतने सानू मूँह भी दिखाया हो उन्हें चन्नी साहब वैसे ठीक आ जो कुछ करया उन्हें है तो ठीक हूँ गांह चले इस तरह फिर आ फिर तो असं देखना उन्होंने हूँ सानू देखदा MLA वाला नहीं सानू पता तो कांग्रेस कासाबाद तो जी मलकीत राम जी अभी सरकार जी चन्नी देखने चाहते हैं देखो जी उन्होंने वधिया काम किए साडे बिल माफ अपने होया मेरे खुद होया हाँ जी इस करके अस कहने भी सरकार वो होनी चाहिए साडा भाईचारा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अस देखना चाहते जिन्हें साडा फायदा नहीं किया कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो ठीक है बंद साडा नहीं जी हारदा तो एक हारूगा चाहते हाँ भी जोड़ा इस पर साडे मुख्यमंत्री चन्नी आनू लैना चाहते हाँ उन्होंने ही वोटा पावे उन्होंने ही बनावे तो दूजा सरदार विक्रमजीत सिंह दसिया उन्होंने भी मूहरे लियावे मशहूर लियावे तो वोटा उन्होंने पावे पिंडा के काम बहुत सोहने हुए आ परमात्मा बड़े रंग लाई जाता वा यह जी गल कोई नहीं जोड़ा को बड़िया पार्टियां आ रही कांग्रेस में असं इन्ना कहने भी सू पेलो तो साढ़े पिंड च कर दी आई आइटा उटा लाइया उन्होंने उन्होंने करके करना ढिल्लों ने भी बथेरा करते रहे भी ढिल्लों ने किया कुछ नहीं इतने देखो जी होए हो पर आप देखा नहीं अजे बिल लैन कोई नहीं आया भी माफ़ करते कि नहीं करते सू सीधी गल दसते हैं अच्छा कहने भी हाँ वाकई इनू पावे विक्रमजीत वोटा पावे हाँ जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पिंड कासाबाद जिला लुधियाना हलका सानेवाल माहौल कांग्रेस पार्टी के हक चल रहा जी साढ़े सानेवाल च विक्रम बाजवा जी बहुत बड़ी जित कर जा रहे ने नहीं 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 उन्होंने 10 साल च कुछ नहीं कर सके इतने के MLA 2 बारी जितते रहे मिनिस्टर भी बने पर उन्होंने विक्रम बाजवा जी ने जिता के चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनाना बन नहीं होना जी उन्होंने हाँ जी मेरा नाम है जी संदीप सिंह धालीवाल पिंड मेरा कासाबाद है जी सर पिंड का सर्वे चल रहा पिंड जो भी सर्वे चल रहा वा जी जो भी असं देख रहे पिंड सानू चाहिए भी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए है जी अकालियां ने जी देखो इन्होंने पिछले 10 सालों तो साढ़े इतने सानेवाल हल्के चो शरणजीत ढिल्लों जी अपने बने रहे ने MLA पर उन्होंने इतने एक भी काम नहीं कराया अपने तुसी देख लो सानेवाल हल्के दे विच राहो रोड देख लो है ना उत्थे देख लो कोई है कोई हाल कोई किते भी जाने कि कुछ भी एक भी कोई तो तुसी प्लस पॉइंट मैनू दिखा दो कि साढ़े पिंड च तो आके भी नहीं बड़े 5 सालों के
पांच की पिछले दस साल जो वोटा होंगे ने उदों आ जाते हैं तो उदों तो बाद अज तक आके नहीं बड़े ना कोई काम कराया जी। एम एल ए जी असी अपने बिक्रमजीत सिंह बाजवा जी एम एल ए देखना चाहते आपके हल्के का देखना की चाहते हैं जी। असी पूरे जोर शोर से उन्होंने अपना पूरा जोर ला के बनावे भी एम एल ए जी दावा करते हैं असी भी पूरा जोर ला देंगे उन्होंने पिछे। सर जिस तरह के झाड़ू वाली पार्टी भी हैगी श्रोमणी अकाली दल भी कांग्रेस ही क्यों क्यों कहने चाहते कांग्रेस? देखो जी कांग्रेस झाड़ू वाले तो जी हुण तुहानू की कहीए भी झाड़ू वालियां दा कोई इन्ना कोई वजूद तो है नहीं ठीक है ना जी। झाड़ू वालियां दा हुण कोई भगवंत मान ला लो है ना तो शराबी कबाबी जे सारे बंदे इकट्ठे होए हुए ने उन्हां दे विच मैनू तो कोई लगता नहीं भी जे आपां कहीए भी आपां भगवंत मान नूं सी एम देखना चाहिए जां कुछ इदां दा उहदे च उह क्वालिटी है नहीं गी जी भी उहनूं आपां देखना चाहिए सी एम। चन्नी साहब च क्वालिटी जी उन्होंने 111 दिनों के ही दिखाता भी साढ़े की क्वालिटी आ वो 111 दिन तुम देखो भी जोड़े विकास 111 दिनों के उन्होंने रह के किए तो आने वाले 5 साल जो रहे सी एम तो उदो 5 साल फिर की करे आने वाले जोड़े 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 लंघ चुके 111 दिन ने ये तुम ये देख लो भी हर एक तरह की जो भी कम रुके हुए थे जो पिंडां दे विकास खड़े रुके हुए सीगे वह सारे उन्होंने कॉन्टीन्यू करवाए स्टार्ट कराए ग्रांटां सीगियां पिंडां दे सरपंचां नूं ग्रांटां आईयां साढ़े भी पिंड दे सरपंचां नूं ग्रांट आई है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना हल्का सेंट्रल से भाजपा के उम्मीदवार गुरदेव शर्मा देवी द्वारा श्रृंगार सिनेमा चौक पर डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया गया जहां लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। गुरदेव शर्मा देवी ने लोगों से अपील की कि इस बार आप सभी भाजपा को ही अपना कीमती वोट दें। उन्होंने और क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद मैनूं दे रहे ने बहुत आशीर्वाद बुजुर्गों का मिल रहा है मेरी भैणों का भी मिल रहा वीरों का भी मिल रहा दोस्तों का भी मिल रहा बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम मेरा रोज नाल होंगे हो तो देखिए कि उत्साह है सेंटर हल्के और मैं सारे अपने भैणों का वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा 35वीं विशाल शोभा यात्रा दिन सोमवार 28 फरवरी 2022 को निकाली जा रही है। इस यात्रा संबंधी मीटिंग लुधियाना के पुराना बाजार में की गई। इस मौके इस यात्रा संबंधी जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों ने हमें दी। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की साचे दरबार की शंकर भगवान की। देखो जी हर साल की तरह विशाल शोभा यात्रा 28 फरवरी पुरानी सब्जी मंडी चौक से निकल के चौड़े घंटाघर चौड़े बाजार से होके संगड़ा वाला स्वाला जाएगी। सभी भक्तों से विनती है लुधियाना शहर वासियों से सभी से विनती है सभी आए और भोले बाबा के दर्शन पाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हर हर महादेव। पत्थर जो तोड़ तोड़ कर बिखर जाए उसे कंकर कहते हैं। पत्थर जो तोड़ तोड़ कर संभल जाए उसे शंकर कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आ गया वही दिन वही समय जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की तरफ से विशाल शोभा यात्रा 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को बहुत ही धूमधाम से व श्रद्धा पूर्वक लुधियाना में निकाली जा रही है जिसमें कृष्णा थापर मेमोरियल ट्रस्ट के हमारे बड़े भाई संजय थापर जी, रिकी कपूर जी, आशीष थापर जी, जंगमों के समूह व पंजाब प्रसिद्ध गायक कलाकार कुमार संजीव जी व हमारे मित्र और भाई शिव भारद्वाज जी अपने भजनों से अपनी गायकी से भोलेनाथ का गुणगान करेंगे और महाआरती करेंगे। आप सभी भक्तजनों से हार्दिक अनुरोध है बेनती है कि आप भी शोभा यात्रा में आके शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस यात्रा का पूरा प्रसारण आप 425 नंबर आत्मा चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं। जय भोलेनाथ जय शिव शंकर। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की महाशिवरात्रि 1 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में
पूरी दुनिया में भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान भोलेनाथ के भगत मनाएंगे। लुधियाना में 35वीं विशाल शोभा यात्रा महाशिवरात्रि के एक दिन पहले 28 फरवरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ के चांदी के रथ पर भगवान भोलेनाथ स्वर्ण रूप में सवार हैं। भगवान बालाजी का सोने चांदी का रथ, गणपति बाबा का रथ और सारे शहर के जंगम, जो 250 जंगम भगवान भोलेनाथ की सेना है, भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं, वो थापर बिरादरी के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा ठीक 9 बजे गौघाट मंदिर से पूरे आरतियों के साथ, पूरी पूजा के साथ और भगवान भोलेनाथ के शिव भक्तों के साथ हर हर महादेव के जयकारों से 9 बजे शिव मंदिर गौघाट से शुरू होगी। और यह शोभा यात्रा वाल्मीकि घाटी से होती हुई, सर्कल रोड से होती हुई, रामलीला मैदान द्रेसी में एक विशाल फंक्शन में, एक विशाल समुंदर के रूप में एकत्रित होगी, जहां लुधियाना के तमाम मंदिरों से झांकियां बनारस, दिल्ली, जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर से भगवान भोलेनाथ के झांकियों से सेवक नाचते गाते बैंड बाजों के साथ, भंगड़ा टीमों के साथ और हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवरात्रि महोत्सव की मिट्टी या विशाल शोभा यात्रा, जहां पर लुधियाना निवासियों को, तमाम लुधियाना के बहन भाई नौजवान और शिव भगत रामलीला मैदान द्रेसी से चलकर वेद मंदिर, वेद मंदिर से द्रेसी रोड, द्रेसी रोड से प्रताप बाजार, माता रानी चौक, घंटाघर, चौड़ा बाजार, द्विजय नंबर 3 शंगला श्वाला में महंत नारायण दास जी की आरती के साथ गौघाट मंदिर में समापन होगा। सारे शहर में भगवान भोलेनाथ की शादी के अवसर पर विशेष लाइटिंग, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ की शादी का दिन भी है और शादी का माहौल, सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, केसरी झंडों की तरह सजाया जाएगा, फूलों की वर्षा होगी, 56 भोग लगाए जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की महाआरतियाँ जगह जगह पर, लुधियाना की मेरी बहनें, मेरे भाई जगह जगह पर भगवान भोलेनाथ की आरतियाँ करेंगे। इस 14 किलोमीटर रूट पर 500 के लगभग लुधियाना के शिव भगत लंगर लगाएंगे और 56 भोग लगाएंगे, आरतियाँ भी होंगी जगह जगह पर, आरतियाँ भोलेनाथ के चांदी के रथ में जंगमों के साथ, भगवान बालाजी के चौबे चांदी के राज जी, संत राम जी जिंदल, बाबा संत राम जी जिंदल की अगुवाई में इसमें शामिल होंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।